अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का उर्दू का काम अल्फाज में मौजूद छोटी अशकाल और हरूफ। प्यारे बच्चों, आज जुमे का दिन है। जुमा लिखते हैं जीम की छोटी शक्ल को मीम की छोटी शक्ल के साथ जोड़ते हुए, आयन की छोटी शक्ल बनाएं और हे की छोटी शक्ल के साथ जोड़ दें। यहाँ हम लिखेंगे हे वाओ यानी होमवर्क। आज की डेट लिखते हैं 24/4/2020। यहाँ लिखेंगे अल्फाज। अलिफ लाम की छोटी शक्ल को फे की छोटी शक्ल के साथ जोड़ते हुए मुकम्मल अलिफ और उसके बाद जोए। अल्फाज, अलिफ लाम की छोटी शक्ल फे की छोटी शक्ल के साथ और अलिफ और मुकम्मल ज़ोए। अल्फाज में मीम की छोटी शक्ल को ये की छोटी शक्ल के साथ जोड़ते हुए बग़ैर नुक्ते वाली नून लिखें। मीम की छोटी शक्ल को वाव के साथ जोड़ें और जीम की छोटी शक्ल को वाव के साथ जोड़ें। आगे मुकम्मल दाल लिखा जाएगा, ये लफ्ज़ बनेगा मौजूद, अल्फाज में मौजूद। चे की छोटी शक्ल को दो चश्मी हे के साथ जोड़ते हुए मुकम्मल वाव लिखेंगे और टे की छोटी शक्ल को छोटी ए के साथ जोड़ेंगे, ये लफ्ज़ बनेगा छोटी। अलिफ मुकम्मल शीन की छोटी शक्ल को काफ की छोटी शक्ल के साथ जोड़ते हुए अलिफ के साथ जोड़ देंगे और लाम लिखेंगे, ये लफ्ज़ बनेगा अशकाल। हे की छोटी शक्ल को रे के साथ जोड़ते हुए वाव मुकम्मल शक्ल में लिखेंगे और फे को मुकम्मल शक्ल में लिखेंगे, ये लफ्ज़ बनेगा हरूफ। अल्फाज में हमारा पहला लफ्ज़ है खरगोश। हम खरगोश के तौर लिखने वाले हैं खरगोश। लफ्ज़ खरगोश में मौजूद छोटी अशकाल को हम लिखेंगे पहले। खे की छोटी शक्ल ये वाली जो कि जुड़ी हुई है रे की छोटी शक्ल के साथ और गाफ की छोटी शक्ल जो कि वाव के साथ जुड़ी हुई है और शीन मुकम्मल शक्ल में लिखा है इसलिए उसे हम मुकम्मल शक्ल में लिखेंगे। ये हैं खरगोश में मौजूद छोटी अशकाल। उसके बाद हम खरगोश के हरूफ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे खे को मुकम्मल शक्ल में, फिर रे, इसके बाद गाफ। गाफ को लिखने के बाद हम लिखेंगे वाओ और वाओ के बाद शीन। ये हैं खरगोश लफ्ज़ में मौजूद हरूफ। खरगोश के बाद अगला लफ्ज़ है पहाड़। पहाड़ लिखते हैं और इसमें मौजूद उसकी छोटी अशकाल पे की ये छोटी शक्ल, इसके बाद हे की छोटी शक्ल। पहाड़ लफ्ज़ में ये वाली हे की छोटी शक्ल है और इसके बाद अलिफ और उसके बाद अड़े, छोटी तोए वाली अड़े। इसके बाद पहाड़ के हम हरूफ लिखेंगे पे, पे के बाद हे, हे के बाद अलिफ और अलिफ के बाद रे। अब हम लफ्ज़ लिखेंगे सांप। सीन की छोटी शक्ल को अलिफ के साथ जोड़ते हुए नून की छोटी शक्ल को मुकम्मल पे के साथ जोड़ा जाएगा, लफ्ज़ बनेगा सांप। आइए अब इसमें मौजूद हरूफ और छोटी अशकाल लिखते हैं। सीन की छोटी शक्ल, उसके बाद मुकम्मल अलिफ, उसके बाद नून की छोटी शक्ल और मुकम्मल पे, पे की मुकम्मल शक्ल। इसके बाद हम सांप के हरूफ लिखेंगे। सीन की मुकम्मल शक्ल,
इसके साथ अलिफ, अलिफ के बाद नून की मुकम्मल शक्ल, नून के बाद पे की मुकम्मल शक्ल लिखेंगे। ये हैं सांप के हरूफ। सांप के बाद हम अगला लफ्ज़ लिखेंगे सोफ़ा। स्वाद की छोटी शक्ल को वाव के साथ जोड़ते हुए, इसके बाद फे की छोटी शक्ल को हे की छोटी शक्ल के साथ जोड़ेंगे। हे की ये छोटी शक्ल जो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आती है, इस कॉलम में हम लिखेंगे स्वाद की छोटी शक्ल। वाओ अपनी मुकम्मल शक्ल में, उसके बाद फे की छोटी शक्ल और उसके बाद हे की छोटी शक्ल। इसके बाद सोफ़ा के हरूफ लिखते हैं। स्वाद लिखेंगे हम मुकम्मल शक्ल में। स्वाद के बाद वाओ, वाओ के बाद फे की मुकम्मल शक्ल और फिर हे की मुकम्मल शक्ल। सोफ़ा के हरूफ स्वाद वाओ फे हे। इसके बाद हम अगला लफ्ज़ लिखेंगे गाचर। गाफ की छोटी शक्ल को अलिफ के साथ जोड़ के, जीम की छोटी शक्ल को हम रे के साथ जोड़ देंगे। छोटी इशकाल वाले कॉलम में लिखें गाफ की छोटी शक्ल जो अलिफ के साथ अमूमन जुड़ती है, लाम के साथ जुड़ती है, गाजर में ये अलिफ के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद अलिफ, इसके बाद जीम की छोटी शक्ल, जीम की छोटी शक्ल के बाद रे की छोटी शक्ल लिखेंगे। इसके बाद हम गाजर के हरूफ लिखेंगे। गाफ की मुकम्मल शक्ल लिखेंगे, गाफ की मुकम्मल शक्ल के बाद अलिफ, अलिफ के बाद जीम की मुकम्मल शक्ल, उसके बाद रे की मुकम्मल शक्ल। ये गाजर के हरूफ हैं। अल्फाज, अल्फाज में मौजूद छोटी अशकाल हरूफ। पहला लफ्ज़ है खरगोश, खरगोश में मौजूद छोटी अशकाल और इसके हरूफ। लफ्ज़ पहाड़, पहाड़ में मौजूद छोटी अशकाल और उसके हरूफ। सांप, सांप में मौजूद छोटी अशकाल और उसके हरूफ। सोफ़ा, सोफ़ा में मौजूद छोटी अशकाल, सोफ़ा में हे की ये छोटी शक्ल है, ये छोटी शक्ल लफ्ज़ के आखिर में आती है और ये सोफ़ा के हरूफ। गाजर, गाजर में मौजूद छोटी अशकाल और गाजर के हरूफ।